इतना जो काफी रोमांचक मुकाबला हुआ, जो काफी इंटरेस्टिंग था, कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था, लास्ट बॉल तक नहीं लगा कि कौन सी टीम जीतेगी। और ऐसे ही मुकाबला जो पहला लीग मैच में गोल बाजार और विडम के बीच हुआ था, वहां भी मैं बता दूं बॉलर सीमा थे और इसी प्रकार का जो विडम ने मैच जीता था और काफी रोमांचक मुकाबला हुआ। और मैं सबसे पहले गोल बाजार टीम को बधाई देना चाहूंगा कि काफी इतना इंटरेस्टिंग में तो काफी अपना इन्होंने अच्छा मैच खेला, इनके लिए परफेक्ट क्लैपिंग कर दे, ये भी बधाई के पास में काफी अच्छा खेल का परिचय दिखाया, टूर्नामेंट को संपन्न किया। और मैं विनिंग टीम के लिए बिग क्लैपिंग, जो कि मतलब इतने छोटे बच्चे थे और जो उन्होंने लास्ट विकेट के लिए जीता और काफी अच्छा गेम दिखाया, और उनके कोच ज्योतिष भाई के लिए भी बिग क्लैपिंग होनी चाहिए कि उन्होंने खुद बैठ के मैच को एक स्थिति जैसे निकाला, जैसे कि एक समय कार्तिक भूरा खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आज भी स्कोर 200 प्लस होगा, जिस प्रकार का कार्तिक भूरा ने शानदार शतक लगाया, आज बैटिंग करी और आज आउट हो गए, उनका कैप्टन सिवा भी नहीं चल पाया। वो तो क्रिकेट का हिस्सा है, कभी कोई टीम जीतती है तो कभी कोई टीम हारती है, एक को तो हारना ही होता है। और जो आज के ज्यादा समय ना लेते हुए मैन ऑफ द मैच जेपी अनुराग कम टू स्टेज, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया जो क्रिक ग्रोथ में हुए हमारे, काफी अच्छा यहाँ पर अनुराग ने परफॉर्मेंस किया। सर एक सेकंड, और अमेजिंग प्लेयर टुडे बोलिए कम टू स्टेज सर, साल सर शबाब भूमि के लिए जोरदार ताले बॉयज। और एक ट्वेलर्स के गर्ल्स जो आप लोग काफी बॉयज हैं, इनके बीच में काफी अच्छा प्रदर्शन रहे थे आपने,